लेकिन क्या ना, पूरा परिवार है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आदत नहीं ना तुम्हें इस तरह डांस करते देखे। हम बहुत खुश थे इसलिए बस खुल के डांस किया, खुल के नाचे। हाँ हाँ करण, खुशी के माहौल में हो जाता है। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने गलत गाना लगा दिया था। इसका कोई बच्चा भी है? जी नहीं, अभी तो सिर्फ बात पक्की की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी ख्याल रखना पड़ेगा हमारी बच्ची का। प्रतिभा, आज सब लोगों को इतना खुश देखकर, एक साथ देखकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा होता कनिका और रणछोड़ भी यहाँ होते। काश कनिका और प्रकाश दोनों अलग ना हुए होते, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने अच्छे बेटे और बहुएं मिली हैं। चलो ना मेरे साथ, तुम्हें पता है ना दवाई का है। ज्यादा लगी थी? नहीं ठीक हूँ। झूठ! क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी तुम? हाँ देख चमक, चलो थारे गंदे इरादे ना मैं भाप गई हूँ, और इन इन भले लोगों के साथ, इन लोगों की भलाई में तू अपना मकसद भूल रही। मैं वो सब ना कर सकूं, ये भले लोगों के साथ मैं नहीं करूंगी। जो तने करना है कर ले, जब तक अलबेली जिंदा है ना वो अपने भाई का ख्याल रख। देख ज्यादा होशियारी मत कर, ये फाइल ठीक से पढ़ लेना फिर बाहर आना। आज के शुभ दिन पर सबने कुछ ना कुछ दिया है तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा तोहफा। मैंने स्वर्ण भवन अंकल जी के नाम कर दिया है, वो आपकी अमानत है। नहीं राज, हमने स्वर्ण भवन तुम्हें बिजनेस के अवज में दिया था, जो नुकसान हो उसके लिए, इसलिए जब तक हम वो पैसे नहीं चुका देते स्वर्ण भवन तुम्हारे पास ही रहेगा। पैसे तो आते जाते रहेंगे करण, लेकिन इस परिवार से, इन बच्चों से उनका हक मैं नहीं छीन सकता। कुछ दिन ऐसे ही आते रहे, मिलते रहे तो शायद पहचान न लगे, फिर शायद आ भी सकती है आपके साथ। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। देख छोरी, अभी तो मैं जाऊं हूं, कल फिर आऊंगा थारे से मिलने। स्वर्ण भवन हमारे नाम करता। स्वर्ण भवन, ये 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 स्वर्ण भवन।